अभी तबीयत सही नहीं है। अच्छा लग रहा है, ऑटो से जा रहे हैं मशीन लेने के लिए। हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत करते हैं आप सबका एक और न्यू वीडियो में। सो गाइस, आप सब सोच रहे होंगे कि यार ऑटो में कैसे बैठे आपका भाई आज, तो भाई बता दे ये अपना ही ऑटो है, मतलब मेरा छोटा वाला भाई किराए पे लेके चलाता है ऑटो, और पिकअप देख सकते हो इधर मेरा खड़ा है। तो अभी भाड़ा नहीं मिला है, तो जैसे ही बुकिंग आएगा तो निकलेंगे अपना गाड़ी लेके माल को लोडिंग करने के लिए। तो अभी जा रहे भाई मच्छी खरीदने के लिए, क्योंकि भाई जब हम घर पे रहते हैं तभी मच्छी बनता है, और तो भाई मच्छी अगर बहुत दिन से हम खाए भी नहीं है मछली, तो इसी वजह से मम्मी बोल रही कि बेटा आज घर पे हो तो मछली लेके आओ, बनाया जाए खाया जाए सबको मिलके, क्योंकि भाई जब हम घर पे रहते हैं तभी मछली बनता है। और मम्मी का कहना है भाई बड़ा बेटा जब बाहर रहता है तो मछली अगर नहीं बनेगा घर पे, क्योंकि उनको मतलब मेरे बिना खाना अच्छा नहीं लगता है, जब हम घर पे रहते हैं तो साथ में मछली अगर बनता है, कुछ भी अच्छा चीज बनता है तो हमारे बिना नहीं बनेगा घर पे जब तक हम नहीं आ जाते हैं। तो सालू तुम भी मछली खाओगे? हाँ, हम खाएंगे, हम बनाएंगे भी और हम खाएंगे। तो सालू ऐसे खाते नहीं मछली बहुत ज्यादा, लेकिन आज बोलिए कि हम भी खाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसे, और अभी फिलहाल निकलते हैं और रोड पे मुलाकात करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, अपने दोस्तों का शेयर कर देना, और छोटे भाई पे ऐसे प्यार मोहब्बत बनाए रखना। तो चलो अभी यहाँ से निकलते हैं, तो रास्ते में बातें करते हैं आप सबसे। निकल चुके हैं सफर में बहुत दिन बाद ऑटो चला के बहुत अच्छा लग रहा है गाइस, बता दें आप सबको। और कैमरा सालू पकड़ी हुई है तो भाई इसमें सबसे बड़ा और अच्छा लगता है सीट बेल्ट का जरूरत नहीं पड़ता है। अरे यार तो लोग पीछे पकड़ो कैमरा, हम पूरा दिख ही नहीं रहे। तो भाई इसमें सीट बेल्ट का जरूरत नहीं पड़ता, बस ऐसे ही चालू करो और चलते रहो। एक साल से ऑटो नहीं चला रहे थे, सोच सकते हो एक साल से, मतलब मेरा दो ऑटो अपना था, ऑटो बेचने के बाद ये छोटे वाले भाई को किराए पे दिलवाए ऑटो चलाने के लिए, मतलब ये दूसरे का ऑटो रिक्शा है और छोटा वाला भाई इसको चलाता है, तो इसी ऑटो से जा रहे हैं आज भाई मार्केट। तो चलिए कुछ देर बाद मुलाकात करते हैं आप सबसे। तो गाइस आप सबको बता दें हम सालू से बात कर रहे थे, और एक आंटी जी देख के बता रही है, मतलब सोच रही होंगी कि यार सवारी से बतिया रहा है ऑटो वाला तो उनको क्या पता कि भाई मेरी वाइफ है तो सवारी नहीं है। तो चलिए डायरेक्ट आप लोगों से मुलाकात करते हैं मछली मार्केट में। तो चलिए अभी निकलते हैं भाई, और ये देख सकते हो आ गए अपने रविदास गेट के पास। ये बताओ सालू कैसा लग रहा है, पहले ऑटो में घुमाते थे तुमको, और अभी ऑटो चला के फिर से लेके जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप हमेशा घर पे रहते नहीं है, तो हमको भी थोड़ा समय मिला आपके साथ बिताने का। अच्छा, समय मिला। सालू कह रहा है भाई कि हमेशा घर पे रहते नहीं है, तो और अच्छा लग रहा है, ऑटो से जा रहे हैं मशीन लेने के लिए और समय बिता रहे हैं, अच्छा लग रहा है। तो चलो भाई कोई टेंशन नहीं है, मतलब आज घर पे नहीं है ऐसा नहीं है कि कभी नहीं रहेंगे, कोई दिन आएगा मेरा भी किस्मत में कि अच्छा दिन होगा अपना भी यार, और हम लोग भी अपना गाड़ी अगर लेंगे कहीं बाहर घूमने जाएंगे मम्मी के साथ, सालू के साथ, भाई के साथ, सबको पूरा फैमिली में, ज़्यादा लोग तो हम लोग हैं नहीं भाई। तो अभी चलिए चलते हैं डायरेक्ट मछली मार्केट में, मुलाकात करते हैं आप सबसे भाई। तो गाइस आ चुके हैं मछली मार्केट, तो चलिए अंदर का व्यू दिखाते हैं आप सबको। तो ये ऊपर जा रहे हैं भाई मछली खरीदने के लिए हम लोग, ये न्यू बना है, और ये मछली मार्केट पहले गदोलिया के मेन मार्केट में था, और अभी इधर आ गया है अपने शिवालय के पास, पहले गदोलिया में था, मतलब काशी विश्वनाथ मंदिर है उसके आसपास था, अभी उधर से आके इधर आ गया है। तो ये मछली देख सकते हो भैया, कतला कैसे है? 350। तो ये हिलसा है बट ये समुंदर का नहीं, कहाँ का जाती? बंगाल का नहीं है ना? बंगाल का वो वाला है ना? ये 200 है, ये 350 है। अच्छा, ये 200 ये 350। तो भाई देख सकते हो एक से एक वैरायटी का मछली है भैया लोग बेच रहे हैं अभी, और चलिए दिखाते हैं थोड़ा सा मछली मार्केट आप सबको यहाँ का। तो गाइस बहुत अच्छा अच्छा मछली यहाँ पर मिलता है, और ये बंगाल का बागदा बोलते हैं ना इसको, इसको क्या बोलते हैं? हाँ, कालदा। तो ये देख सकते हो भाई चिंगड़ी, चिंगड़ी भी बोलते हैं इसको। कतला कैसे है? 450। तो ये भी बागदा, ये देख सकते हो भाई, और इन्हीं के यहाँ से मछली हम लंका पे हमेशा लेते हैं, इनका दुकान यहाँ पर भी है। आ रहे चाचा थोड़ा वीडियो बना के आ रहे हैं।
तो भाई ये कतला देख सकते हो कितना बड़ा सा है, कितना किलो का होगा इसे चा? 14 किलो, 14 किलो का। ये पॉम्पलेट है ना, तो भाई ये पॉम्पलेट है समुंदर का, कितना रुपए किलो है? 900 1000, 700, तो ये 700 रुपए केजी का है देख सकते हो। तो चलिए अब हम अपना भी मछली ले लेते हैं, आप लोगों को मछली मार्केट तो घुमा दिया मैंने, तो अब अपना मछली लेते हैं, देखते हैं भाई क्या लेते हैं हम अपने लिए, उसके बाद फिर यहाँ से निकलते हैं तो बातें करते हैं। हे गाइस, तो मछली अगर खरीद चुके हैं अब हम निकल रहे हैं, तो बता दे भाई अपने लिए कतला मछली खरीदे हैं और प्यासी, क्योंकि भाई मेरा फेवरेट है कतला और मम्मी का फेवरेट है प्यासी, तो दोनों मछली ले चुके। तुम्हारा कौन सा? कतला की प्यासी? प्यासी, प्यासी। इसका इसको प्यासी खाने का मन करता, मेरा है कतला, और सबसे बड़ा वाला जो कतला है 350 रुपए केजी था, उसमें से आधा किलो कटवाए क्योंकि भाई बहुत ज्यादा आदमी नहीं खाते, सिर्फ हम खाते हैं और मेरा भाई खाता है, तो आधा किलो बहुत है अपने लिए और दोनों के लिए, मम्मी के लिए और वैष्णवी के लिए और सालू के लिए। भाई ये प्यासी तो रखो भाई उधर साइड में, तो अभी चलिए यहाँ से निकलते हैं घर पे डायरेक्ट, और डायरेक्ट घर पे चल के मुलाकात करते हैं आप सब। तो गाइस आ चुके हैं घर मछली अगर लेने के बाद, और भाई छोटा वाला भाई ऑटो लगा रहा साइड में पार्किंग में। जाओ 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 और जाओ सीधा उधर जाके, उधर देखो उधर जाओ जाओ जाओ, सड़ गया यार, रुको चलो जाओ जाओ जाओ, पहले जाओ पीछे जाओ तो बता रहे, और जाओ छोड़ दो छोड़ दो, अरे निकल जाएगा यार, परेशान काहे होते हो। तो चलिए अभी हम भी घर निकल रहे हैं, और आपके भाई का अभी भाड़ा आया नहीं है, फ़ोन आया नहीं है भाड़े की मतलब भाड़ा में जाने के लिए, तो ये मेरा पिकअप, और इधर लिखा है देखो क्या लिखा है, सर्च मारो BDM ब्लॉग और सब्सक्राइब, देखो ये देखो सब्सक्राइब नाउ, तो BDM ब्लॉग को सब्सक्राइब करो जल्दी से जल्दी, ठीक है जल्दी जल्दी सब्सक्राइब मारो। अभी निकल रहे हैं घर, देखते हैं क्या हो रहा है घर में, तो बातें करते हैं। हे गाइस, तो मच्छी अगर बन चुका है, तो चलिए दिखा रहे हैं सालू कैसे मच्छी बना रही है। तो ये देख सकते हो भाई, ये सालू इधर बर्तन अगर धो रही है और ये मच्छी इधर बन रहा है। तो भाई रसेदार मच्छी बन रहा है, आप लोग सोच सकते हो बहुत टेस्टी है, मुंह में देख के अगर पानी आ रहा हो तो कमेंट जरूर करना इधर। तो चलिए अभी खाने बैठते हैं, तो उसके बाद फिर मिलते हैं, मतलब खाना अगर लग जाएगा उसके बाद फिर बताते हैं भाई कैसा टेस्ट बना है। तो चलिए पहले खाना लगा लेते हैं उसके बाद। हे गाइस, तो खाना अगर लग चुका है और अभी जा रहे हैं खाने, तो ये देख सकते हो भाई चावल और आलू का भाजा, और ये है मच्छी, तो जिसको उसको देख भाई मुँह में पानी आ रहा होगा तो भाई कमेंट जरूर करना आप सब। और मम्मी भी खाने लगी हैं, एक बार हाई कर दो माँ तो मम्मी भी खाना खा रही हैं, और छोटा वाला भाई टॉर्च दिखा रहा है आपको, ये ऊपर टॉर्च दे सकते हो, तो वो भी खाना खाने के बैठा है। तो चलिए अभी खाना अगर खा लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों से मुलाकात करते हैं खाना खाने के बाद। हे गाइस, तो खाना अगर खा चुके हैं अब जा रहे हैं हम सोने के लिए, तो चलिए आप लोगों से शाम को मुलाकात करते हैं, क्योंकि भाई खाना अगर खाने के बाद बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है, और बता दें आज कहीं भी भाड़ा नहीं मिला है गाड़ी को लेके जाने के लिए, तो चलिए देखते हैं कल मिलता है या नहीं मिलता, फिलहाल अभी जा रहे हैं सोने, शाम को मुलाकात करते हैं। हे गाइस, जस्ट अभी सो के उठे हैं और सालू लगा दिए चाय, तो चाय दिखा दें आप लोगों को, तो ये भाई देख लो मस्त वाला एकदम चाय बना दी अदरक डाल के। तो चलिए भाई अभी चाय अगर पी लेते हैं, तब तक आप लोग जब तक हम चाय पियेंगे तब तक आप लोग सब वीडियो को लाइक कर दो और घंटा को प्रेस कर लेना और सब्सक्राइब जरूर मारो छोटे भाई के चैनल को। चाय पीने के बाद मिलते हैं, तब तक भाई लाइक कर देना वीडियो को, सुबह से वीडियो बना रहे हैं भाई, सुबह से वीडियो को देख रहे हो, सुबह से आप मेरे वीडियो को देख रहे हो भाई 8 बजे से आप लोग देखते हो, बट हम सुबह से बना रहे हैं भाई, सोच लो। वीडियो को जल्दी से लाइक मारो छोटे भाई के वीडियो को, वीडियो यहाँ तक देख चुके तो लाइक बनता है भाई छोटे भाई के वीडियो को, तो लाइक करो सब्सक्राइब करो बेल आइकन घंटा प्रेस करो ताकि नोटिफिकेशन पहुंचे जल्दी जल्दी आप लोगों के पास वीडियो अपलोड करते मंत्रा। तो चलिए चाय पीने के बाद मिलते हैं भाई। हे गाइस, तो अभी रूम से बाहर आ चुके हैं और मम्मी भी अभी चाय पी रही हैं, तो ये देख सकते हो माँ अभी तबीयत कैसा है? सही नहीं है अभी, तबीयत सही नहीं है, तो मम्मी भी चाय पी रही हैं, तो चाय पीजिए थोड़ा सा गला का दर्द दर्द सही हो जा सकता है, ठीक है माँ? अभी तबीयत सही नहीं हुआ? तो भाई बता दें मम्मी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है इस टाइम, और देखते हैं भाई दवा वगैरह तो करवा रहे हैं, देखते हैं कब तक सही होता है, तो भाई जैसे ही सही हो जाएगा आप लोगों को पता चल जाएगा। फिलहाल मम्मी भी चाय पी रही हैं और देखते हैं शाम को, अभी तो फिलहाल दवाई आया है परसों का, अभी जैसे जैसे खा रही हैं हल्का फुल्का सुधार आ रहा है मम्मी की तबीयत में, तो भगवान से दुआ करिए कि जल्दी जल्दी सही हो जाए मेरी मम्मी। तो चलिए कुछ देर बाद मुलाकात करते हैं गाइस। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, आई होप कि आप सबको मिल के इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, और लाइक ज़्यादा ज़्यादा करना, क्योंकि भाई लाइक करते हो तो आपके छोटे भाई को मोटिवेट मिलता है वीडियो बनाने में, और आसान होता है मतलब अच्छा लगता है कि भाई मेरे वीडियो को आप सब लाइक करो सब्सक्राइब कर रहे हो और अपने दोस्तों का शेयर कर दो। प्लीज़ लाइक जरूर करना वीडियो को, और वीडियो में क्या चीज़ अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए गाइस मिलते हैं अलग वीडियो के साथ, और बता दें जो भाई लोग हमें इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किए इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम आईडी है
बुद्धा देव 777 मेरा इंस्टा आई डी है, बातें करते हैं वहाँ पर ज़्यादा एक्टिव इस समय हैं हम। तो चलिए भाई मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइस। ऐसे ही छोटे प्यार मोहब्बत बनाए रखिए ताकि आप सबके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहें। तो सबके लिए बाय बाय, जय हिंद, लव यू।